हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं इतनी अमेजिंग रेसिपी चावल और दूध की लेके आई हूँ जो आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 1 kg दूध को, अगर आपका बॉयल है तो अच्छी बात है, बट अगर बॉयल नहीं है तो 1 kg दूध को आप अच्छी तरीके से बॉयल कर ले। आप देख सकते हैं मैंने 1 kg दूध को बॉयल कर लिया है, अच्छे तरीके से बॉयल हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारी दूध बॉयल हो चुकी है। तो अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ या एक कटोरी मैं मिनिमम 1 से 2 कप के करीब दूध निकाल लेती हूँ। मैं चम्मच का उपयोग कर रही हूँ, चम्मच में ज़्यादा नहीं लगता है, तो अपने मेजरमेंट से मैं बस 1 से 2 कप के करीब दूध निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। उसे मैं अलग कर देती हूँ और ये दूध को कम आंच में, यानी कि मीडियम आंच में अच्छे तरीके से इसे बॉयल होने देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैं वो जो बाउल में ले रखा था मैंने दूध कटोरी में, वो मैं ले लेती हूँ। इसमें 1 चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बदला आप केसर का भी उपयोग कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वैनिला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वैनिला होनी चाहिए, उसका कोई भी टेक्सचर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, आज जो मैं चावल की खीर बनाने वाली हूँ ना, पता है ये पके हुए चावल से खीर मैं बनाने वाली हूँ। आपको कोई झंझट नहीं रहेगा चावल को धोने का या फिर कुछ भी भिंगो के रखने का, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चावल को अच्छे तरीके, जैसे चावल बनता है ना वैसे मैंने बना लिया था। तो आज मैं चावल, पके हुए चावल से खीर बनाने वाली हूँ। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी 2 मिनट हो चुकी है दूध बॉयल होने में। तो मैंने जो चावल निकाल करके रखा था वो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पके हुए चावल का इस्तेमाल किया है। बस 1 चुटकी के करीब मैं इसमें दूध में बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी जो कि मैंने पहले से पका करके रखा था, जो अच्छे तरीके से कंप्लीट था हमारा चावल, बना हुआ चावल को मैं इसमें डाल दूँगी। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। गाइस, आपको इतना ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ को मिला लेने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसमें चावल डाल देती हूँ जो कि मैंने पहले से पका करके रखा था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है या हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। तो चलिए आगे के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पूरा चावल इसमें डाल दिया है। तो अब मैं एक छोलनी या कलछुल के सहायता से इसे अच्छे तरीके से चला लेती हूँ। मैंने पके हुए चावल का इस्तेमाल किया है तो इसमें थोड़े छोटे छोटे लंग्स चावल के बन जाएंगे। तो आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले ताकि इसके लंग्स हट जाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो 9 कन्या को भी खिला सकते हो, क्योंकि आज तो 9वीं है ना, तो 9वीं के दिन भी आप ये खीर बना सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, इतनी एकदम अमेजिंग लगती है ना कि आप लोगों ने ऐसे ट्राई भी नहीं किया होगा। फ्रेंड्स, आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है, आपका गैस का फ्लेम अभी एकदम लो होना चाहिए, क्योंकि चावल तो हमने जैसी नॉर्मल भात बनती है वैसी बना करके रखी थी ना, तो इसमें अच्छे तरीके से मिलने के लिए, अच्छे तरीके से और सॉफ्ट होने के लिए इसे कम कर देती हूँ, गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। इसे ढक करके मिनिमम 20 से 25 मिनट के करीब पका लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तो अभी फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट हमारी हो चुकी है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था बीच बीच में चलाते रहना है, अगर चलाइएगा नहीं तो ये सट जाएगी और साइड साइड में जो भी मलाई मक्खन जमती है आप साइड साइड से हटाते रहें और इसे अच्छे तरीके से मिलाते रहें। Thank you.
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमको खीर बनाने में मिनिमम 10 से 15 मिनट लग चुका है। तो जो कि मैंने कटोरी में निकाल करके रखा था दूध, जिसमें मैंने कस्टर्ड मिलाया था, वो दूध मैं डाल देती हूँ इस खीर में। एक ही जगह फ्रेंड्स नहीं डालना है आपको, अलग अलग जगह साइड में पूरा मिलाते हुए डालना है। कस्टर्ड डाल देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से चला लेती हूँ। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम अभी एकदम मतलब वो कर देना है, बंद कर देना है, क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसी वजह से मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, यानी कि गैस मैं बंद कर देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के टाइम में मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर, जिसे मैंने कूट करके रखा था। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इलायची, खड़ी इलायची, हरी इलायची ले रखी थी, मैं उसे अच्छे तरीके से कूट के मैं इसमें डाल देती हूँ। बीच में मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितनी अमेजिंग बनी है। फ्रेंड्स, याद रहे मैंने अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने गैस बंद कर दिया था उसी टाइम, तो अब मैं इसे ढक करके बस 2 मिनट के करीब छोड़ देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 2 मिनट हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो अब मैं चीनी, जिस कप के मेजरमेंट से मैंने चावल लिया था उसी कप के मेजरमेंट से मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं चीनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कच्चे चावल का इस्तेमाल नहीं किया है, पके हुए चावल का इस्तेमाल किया है, तो आप कच्चे चावल एक बार नाप लें कि कितना आप लोग ले रहे हैं, उसी के मेजरमेंट से आप चीनी डालें, क्योंकि पके हुए चावल को तो आप नहीं नाप सकते हैं ना। इसी वजह से चीनी डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी अमेजिंग खीर लग रही है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वैसे तो कच्चे चावल से बना करके खीर बहुत खाई होगी, बट एक बार ट्राई कीजिए पके हुए चावल से बना करके कैसी लगती है खीर। यकीन मानिए गाइस, मैंने ट्राई किया है, बहुत अमेजिंग लगती है। तो आप अपने घर पे एक बार ट्राई करें, आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अमेजिंग हो चुका है। तो अब मैं ढक करके इसे छोड़ देती हूँ मिनिमम आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स, आधा घंटा हमारा हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ सर्व के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बाउल है, कटोरी है या फिर प्लेट है, आप कोई भी चीज़ में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चावल, पके हुए चावल की खीर कितनी अमेजिंग लग रही है, कितनी डिलीशियस लग रही है। ऐसा तो आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा ना, तो एक बार ट्राई करें। नवरात्रा में नौमी के दिन सब 9 कन्याओं को आप भोग लगाएं, ये दुर्गा माँ को भोग लगा सकते हैं, और प्रसादी के रूप में आप अपने गेस्टों लोग को खिला सकते हैं, अपने फैमिली लोग को खिला सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है, इस तरीके से आप ट्राई कीजिए खीर, बहुत अमेजिंग लगेगी फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके सर्विंग के तौर पे मैंने अच्छे तरीके से सारी खीर को रख दिया है। और अगर आप चाहो तो इसे डेकोरेट करने के लिए, इसे अच्छे तरीके से सर्विंग का लुक देने के लिए ऊपर से आप बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दें, उससे ही बहुत अमेजिंग लगती है, इसका टेक्सचर बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी अमेजिंग लग रही है। जितनी दिखने में लग रही है उतना ही खाने में भी लगती है ये। आप दुर्गा माँ को भोग भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। तुलसी का पत्ता डालने के बाद मैं इसे भोग लगा देती हूँ माँ दुर्गे को। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।